Hello friends, how are you? This is Balraj, Bright Education. Free learning online. We teach for UPSC, SSC, Bank PO, English speaking course, Ielts, NDA, CDS, FCAT, CPF, Navy, RIMS, SSB, Air Force, IST, Military School and other competitive exams. We have recently launched a pen drive course. If you want to buy our pen drive course, you may call on this number 700-957-5019. So without delay, let's start the today's session, which is totally based upon narration. We have just explained earlier the narration rules. If you want to clear your narration, you may see the previous videos, because if you will see the previous videos, you will be able to clear your doubts, so that next video will be easily to be understood. So jo hai pichli video dekhna zaruri hai concept ko clear karne ke liye. Agar aap seedhe hi aage pahunch jayenge to pichle rules aapke clear nahi honge. To इससे अच्छा है कि आप पहले पिछले वाले रूल जो है वो क्लियर करें. तो पहले पीछे वाली वीडियोस को सारी वीडियोस को देखें, उसके बाद जो है आगे जाएं. सो आज का सेशन जो है स्टार्ट यहां से होता है. फर्स्ट सेंटेंस जो है, दिस वन, ही सेड टू मी, आर यू ए स्टूडेंट. सो इन दिस सेंटेंस ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज ए स्टूडेंट. तो आस्क्ड जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे वेदर लग गया है. तो यहाँ पे जब जब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो विल बी यूजिंग इंक्वायर और आस्क्ड विल बी यूजिंग ओवर देयर. तो मी वेदर जो वेदर और इफ विल बी यूज दोनों ही यूज कर सकते हैं. तो ये जो है आई एज ए सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे. फर्स्ट पर्सन यू सेकेंड पर्सन था, फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया. नेक्स्ट इज, तो राइट आंसर ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज ए स्टूडेंट विल बी राइट. नेक्स्ट इज, ही सेड टू रमन हैव यू ए मोबाइल सेट. तो इसका क्या होगा, ही आस्क्ड, यहाँ पे आस्क पूछा गया, ही आस्क्ड रमन वेदर ही हैड ए मोबाइल सेट. सो दिस इज इजिली सेम क्वेश्चन वी हैव डन अर्लियर. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो है वेदर और इफ लगा दिया गया है. सो सेड टू बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन, सो आस्क्ड हैज बीन यूज्ड ओवर हियर. आस्क्ड जो है लगा दिया गया है. सो राइट आंसर सेड टू हैज टू बी कन्वर्टेड टू आस्क्ड रमन वेदर. इन इन्वर्टेड कॉमा हैज टू बी रिप्लेस बाय वेदर ही, बिकॉज यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है. सो रमन इज ए प्रॉपर नाउन, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू प्रोनाउन विच इज थर्ड पर्सन. जो है थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया, ही हैड ए मोबाइल सेट विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट इज, ही सेड यू वर एब्सेंट देयर, ही सेड यू वर एब्सेंट देयर. तो ही टोल्ड, जो यह टोल्ड नहीं आएगा बिकॉज सेड यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है. सेड दैट आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे दैट लग गया है. वर को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया गया है. यू सेकंड पर्सन है, इसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दिया गया है. सो ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट देयर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, मीना सेड टू रमन डू यू लव मी. मीना इंक्वायर्ड, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. इंक्वायर्ड और आस्क्ड कैन बी रिटन ओवर हियर, बट यू हैव टू राइट इंक्वायर्ड विच इज सेड टू हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंक्वायर्ड रमन वेदर ही लव्ड वेदर ही लव्ड हर. हर जो आया है, वी विल बी यूजिंग हर फॉर मीना, ही फॉर रमन. सो इंक्वायर्ड रमन वेदर ही लव्ड हर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, शोभना सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर. तो इसका राइट आंसर क्या है, विल सी. शोभना टोल्ड मी डिड यू टीच माई सिस्टर. तो शोभना, यहाँ पे शोभना टोल्ड मी दैट डिड यू टीच माई सिस्टर. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन. सो ऑन द प्लेस ऑफ टोल्ड यू हैव टू टेल मी वेदर इट विल बी इंक्वायर्ड. इंक्वायर्ड आस्क्ड, यहाँ पे शोभना टोल्ड इंक्वायर और आस्क्ड मी दैट. शोभना टोल्ड मी सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर. शोभना टोल्ड इंक्वायर्ड आस्क्ड मी दैट. तो यहाँ पे दैट लग गया इन्वर्टेड कॉमास को हटा के. तो मेरे को बताना है कि आपने वेदर आएगा यहाँ पे, बिकॉज कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर. वेदर
यहाँ पे शोभना सेड टू मी वेदर, यहाँ पे आई आ जाएगा, आई आई डिड है, यहाँ पे आई डिड जो है वो हैड में, आई हैड टीच, टीच का टॉट हो जाएगा टी ए यू जी एच डी टॉट, हर और हिज आपने बताना है क्या आएगा, हर हिज सिस्टर। सो टेल मी द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर, 10 सेकेंड्स क्विकली। इफ यू वांट टू टेक मोर टाइम यू मे पॉज द वीडियो, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, बिकॉज इजीली जो है इसको क्लियर कर पाना एक वो में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है यू हैव टू गो इन द पॉजिंग वे कि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपने पॉज कर लेना है वीडियो को। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर बताइए, शोभना टोल्ड मी डिड यू टीच माई सिस्टर, क्विकली 10 सेकेंड आंसर। सो यहाँ पे आएगा शोभना, आस्क्ड या इंक्वायर्ड दोनों ही आ सकते हैं, टोल्ड रॉन्ग हो जाएगा, टोल्ड क्योंकि डिड दिया है, आस्क्ड मी दैट विल बी रॉन्ग ओवर हियर बिकॉज एज आई टोल्ड यू यहाँ पे क्वेश्चन वेदर और इफ यूज करते हैं, वेदर और इफ यहाँ पे आ जाएगा वेदर, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकेंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को मी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है उसमें चेंज हो जाएगा, आई हैड टॉट हर और हिज सिस्टर, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे इजिली है कि ये शोभना की सिस्टर है तो ये हर ही आएगा, शोभना सिस्टर, हर सिस्टर, तो राइट आंसर यही होगा कि शोभना, शोभना इंक्वायर्ड और आस्क्ड मी वेदर आई हैड टॉट हर सिस्टर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ही सेड टू अस आर यू गोइंग टूडे, ही सेड टू अस आर यू गोइंग टूडे, तो राइट आंसर देखते हैं क्या है इसका, ही He told again. You have to tell me because if I will write, it will take more time. So I will go directly with answer. You have to think on it again. You have to pause the video after question because it is very important. If you want to clear your doubts, you have to be very stern and there with the rules so that you have to pause. Video which is the way of learning, which is right way, you have to pause the video with the before answer, you have to write your own answer, that will be very good to learn, it is a learning best way. He said to us, he said to, so he asked us, he asked us whether and if and whether we'll be using over here. Asked whether he asked us whether, so again us has to be we, whether we, because this is us has to be subjective form we, so you, this is the continuous tense will be were, we were going today. So he said to us, are you going today? He asked us whether we were going today. So this is the right answer. Next is, so again there is one error, today or that day. So you mean to tell, you need to tell me whether it will be today or that day. So that day, today will be converted into that day will be the right answer. Today has to be replaced over here. He asked us whether we were going that day will be the right answer. Next is Sneha said to me, do you play cricket? So, iska right answer kya hai? Let's see. Sneha
आस्क्ड, स्नेहा आस्क्ड मी दैट स्नेहा आस्क्ड मी सो दैट विल बी रिप्लेस वेदर विल बी यूजिंग ओवर हियर वेदर 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 आई प्लेड क्रिकेट सो स्नेहा आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट विल बी राइट आंसर Sneha said to has to be converted to asked and again this comma inverted comma will replace by whether and I is using as a first person because it's a me object of this I played cricket will be the right answer. Sneha said to me do you play cricket? Sneha asked me whether I play cricket will be the right answer. Next is Ajit said to Rekha, do you know me? So I need not write some same kind of sentences. I will explain it as it is. Ajit asked Rekha whether she knew the way. Because this is new, this has to be converted. Knew the way will be the right answer. She knew the way. Because this is the present indefinite interrogative form, so interrogative form has to be converted into directly whether she knew. No has to be new because past indefinite has to be changed over here. The way will be the right answer. Next is again I will not be writing for you. You may pause the video. You may write the right answer. The Mr. Thakur said to Mr. Pandey, Mr. Thakur asked Mr. Pandey again said to because this is did you write to him such an insulting letter. So right answer kya hoga iska. So right answer hai iska Mr. Thakur asked Mr. Pandey whether Mr. Pandey ki jagah he aa jayega yahan pe he whether he write ka wrote ho jayega wrote wrote to him such an insulting letter. So यहाँ पे ज़्यादा change करने की ज़रूरत नहीं होगी. यहाँ पे asked आ जाएगा, यहाँ पे whether आ जाएगा inverted commas को हटा के. तो ultimately जो right answer है वो आएगा wrote आएगा यहाँ पे, बाकी as it is ही रहेगा because present indefinite past indefinite दिया है. Sorry it's a past indefinite tense did. So it has to be converted into the past परफेक्ट में आ जाएगा. तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, मिस्टर ठाकुर आस्क्ड मिस्टर पांडे वेदर ही हैड रिटन टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर विल बी द राइट आंसर. सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट इज रजनी सेड टू मी कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन. अगेन द सेम रजनी आस्क्ड सेड टू हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड आस्क्ड मी. ये जो इन्वर्टेड कोमा कोमा दिए हुए हैं यहाँ पे आपने जो है आस्क्ड इनकी जगह जो है वेदर और इफ आएगा. वेदर इफ आई कैन का कुड हो जाएगा. वेदर आई कुड मीट, तो यहाँ पे मी है तो मी का आई का यू मी का मीट यू हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या होगा इसका, वेदर आई कुड मीट यू टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा. नेक्स्ट डे एट द पटना जंक्शन. सो राइट आंसर क्या है, रजनी सेड टू मी. तो रजनी आस्क्ड मी, रजनी आस्क्ड मी वेदर आई कुड मीट हर. मीट हर हो जाएगा क्योंकि रजनी से मिल रहे हैं. मीट हर द नेक्स्ट डे विल बी द राइट आंसर एट पटना जंक्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस. दीज आर द लास्ट सेंटेंस. थैंक यू वेरी मच. एट लास्ट काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक.